Hari Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Shri Radha Raman Hari Govind Jai Jai Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Om Namo Bhagavate Purana Purushottamaya Om Jayati Parashar Smuh Satyavati Hruday Nandano Vyaso Yasyasya Kamal Galtam वाग्मय ममृतम जगत पिबति विश्व सर्गसरगात नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरवे नमः दिव्य वृंदारण्य कल्पत्र माध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभि सेव्यमानो स्मरामि सुधानाम चांद्रीणाम अपि मधुरमोन्माद दमनी दधाना राधादि प्रणय घनसारहि सुरविताम समन्तात् संतापोद्गम विषमदावाग्नि दहनान प्रणीताम ते तृष्णाम हरतु हरिलीला शिखरणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे गुरु मन्द मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनाः च पुराण पठनम यत्र तत्र संदेहो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक श्री श्याम सुंदर जिस समय श्री प्रिया जी को माननीय रूप में देखे आप प्रिया के मान को मनाने के लिए तो श्री श्याम सुंदर के श्री अंग में चंद्रावली जी के मिलन के लक्षण प्रकट हो रहे थे इसलिए प्रिया में मान तो उदय होगा ही और श्री श्याम सुंदर उस मान को मनाने के लिए ये कह रहे हैं कि प्रिय मैं ही नहीं मेरे जितने भी वैभव अवतार वे सब भी आपके ही शरणागत हैं मेरे दशावतार आपके अधीन होकर के ही विराजमान है जैसे मत्स्य अवतार उसकी सुंदरता उसकी सजनता वह आपके नयनों में विराजमान है क्योंकि आप मीनाक्षी हैं मछली शरीर के नेत्र वाली हैं मेरे पूर्ण रूप की जो कठोरता विराजमान थी
सुलोलता सुंदरता वो आपके श्री वक्ष के ऊपर विराजमान है। मेरे वराह रूप की अपूर्वता वो शब्द श्लेष के द्वारा आपकी कटी उसमें विराजमान है। क्रोध शब्द कटी के लिए भी आता है और क्रोध शब्द वराह के लिए भी आता है। और मेरे पहले प्रहलाद संवर्धन प्रहलाद जी को आनंदित करने वाला जो नृसिंह स्वरूप धारण किया था आपके ओठों में वो गुण विद्यमान है क्योंकि आप आह्लाद को संवर्धित करने वाली हैं, आनंद को बढ़ाने वाली हैं, इसलिए आपके ओष्ठ प्रहलाद संवर्धन है। और मैंने पहले जो वामन अवतार धारण किया था उसके द्वारा बलराजा को बांधा था वो बल बंधन मेरा स्वरूप बलि को बांध लेने वाला स्वरूप शब्द श्लेष में कह रहे हैं कि आपकी कटी में भी सुंदर त्रिवुली तीन रेखाएं सुशोभित हो रही हैं नाभि के ऊपर और वो त्रिवुली जो है वो त्रिवुली बंधन के रूप में आपकी कटी सुशोभित हो रही है बल बंधना। और मैंने पहले जो तीन राम स्वरूप धारण किए अर्थात श्री परशुराम जो श्री दाशरथी राम दशरथ पुत्र राम और जो बलराम वे तीनों स्वरूप जो राम स्वरूप थे आपका स्वरूप भी ऐसा है कि जितनी भी रामायण हैं जितनी भी नायिकाएं हैं उन सबों को विमोहित करने वाला। तो राम शब्द में की समानता में जितने भी राम हैं वो तीनों राम आपके ही अधीन होकर के उनको भी जीत लेने वाला आपका मुख है। और मैंने जो पहले बुद्ध अवतार धारण किया था हे श्री प्रिय आप भी अपने श्री अंग में श्री घन अर्थात चंदन धारण करके विराजमान हैं और श्री घन घनसा से युक्त आपका श्री अंग है। अब रही कल्कीपना तो कल्कीपना आपने अपने हृदय में धारण कर लिया है। दो तरह के श्लेष अलंकार होते हैं एक होता है अर्थ श्लेष एक होता है शब्द श्लेष। यहाँ शब्द श्लेष का प्रयोग करके बलबंधन रामाह श्रीघंता प्रहलाद संवर्धन इनमें शब्द श्लेष अपना करके श्री उन अवतारों को भी श्री कृष्ण ने प्रिया जी के अधीन दिखा दिया। श्री ललता जी उस समय कह रही हैं कि कृष्ण रहने दो तवाव तारा तो ये बसंती 42वें श्लोक में कह रही हैं कि कृष्ण कन्ह हे कृष्ण तुम्हारे जो अवतार हैं वो तुम में ही रहने दो। यद एताम चिन्हान दृश्यन्ते तुम्हारे उन 10 अवतारों के चिन्ह तुम में ही दिख रहे हैं। कैसे बन्यांतर गुरु चापलम बन्या माने नदी वन कहते हैं जल को और जिसमें जल विद्यमान हो उसका नाम होगा बन्या बन्या माने नदी। तो बन्यांतर गुरु चापलम आपके जल समूह उनमें आप अत्यंत अत्यंत चपल हो जाते हैं। ये श्री ललता जी का अपना जो सेवा का आस्वाद है उसका दर्शन कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रियाओं से प्रार्थना कर रहे हैं गोपिकाओं ने भी रास के बाद में बोली गुरु श्याम सुंदर चलो जल के भी कर आए। और उस समय श्री श्याम सुंदर सब प्रियाओं को संग में लेकर के श्री दुकुंज मंदिर में पधारे। प्रियाओं ने उस समय परम सुंदर चीनांशुक श्वेत जो साड़ी है उनको धारण किया हुआ है सुंदर कदंब के जो आभूषण बाजूबंद कदंब के वलय उनको विशेष रूप से धारण किए क्योंकि जल यात्रा में जल केली में कदंब पुष्पों की और कुंद के पुष्पों की विशेष महिमा है जो कि जल में जल्दी से मुरझाते नहीं है इसलिए कदंब और कुंद इनके पुष्पों को श्री प्रिया श्रृंगार धारण करके विराजमान हुई है।
सखियों ने दासियों ने श्री किशोर जी का श्री लाल जी का दोनों का पुष्प श्रृंगार विशेष रूप से किया। श्री लाल जी के बड़े सुंदर पुष्प के झब्बा न्यारे लटक रहे हैं, सुंदर पुष्प के ही कुंडल, पुष्प का ही मुकुट आपने धारण किया हुआ है, पुष्प की किलंगी, पुष्प के कंठश्री, पुष्प के हार, पुष्प की त्रिवली, पुष्प के नूपुर, पुष्प के वलय, पुष्प के वायुबंध धारण करके श्री प्रियालाल जिस समय जल में पढ़ा रहे, आप आनंद पूर्वक क्रिया कर रहे हैं और श्री प्रियागण उनने व्यातुक्षी लीला प्रारंभ की। व्यातुक्षी का तात्पर्य है जल के छक्का देकर के एक दूसरे से युद्ध करना। सो उसका विशेष नाम दिया गया संस्कृत में, उसको कहते हैं व्यातुक्षी लीला। उस व्यातुक्षी लीला को करते हुए विराजमान श्री श्याम सुंदर कभी जल मृदंग बजाते हुए सुशोभित हो रहे हैं, अपने हाथ से ही जल जो है वो जल की वो आपस में टकरा करके और उससे गुमुक 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 ऐसी अपूर्व जो आवाज है वो जल में निकलती हुई विराजमान हो रही है। तो जल मृदंग बजाते हुए कभी जल यंत्र के द्वारा श्री प्रिया जी को परस्पर छिड़कते हुए विराजमान हो, हाथ की ही पिचकारी बना करके ऐसी पिचकारी मारे जो सीधे श्री प्रिया उनके वक्ष के ऊपर जाकर के टकरा रही है, मुख के ऊपर टकरा रही है और श्री प्रिया उस समय तिरछी होकर के अपने श्री हस्त के द्वारा उस पिचकारी की धार को रोकने का प्रयत्न करते हैं। कभी श्री श्याम सुंदर चंचल होकर के जल के भीतर डुबकी लगा करके प्रिया उनके अंचल को खींचने का प्रयत्न करते हैं और उस समय श्री यमुना जी श्री प्रिया की सेवा करने के लिए कभी कमल दल रूपी पुष्पों को प्रदान करती हैं, कभी कमल पत्र रूपी पुष्पों को प्रदान करती हैं, कभी कमल रूपी वस्त्र प्रदान करती हैं और कभी लहर रूपी वस्त्र ही प्रदान करके श्री स्वामी जी की सेवा करते हुए सखियों की सेवा करते हुए विराजमान है। और ये चंचल शिरोमणि अपूर्व रूप से चंचलता करते हुए विराजमान है। श्री ललता जी उस लीला की साक्षी होकर के विराजमान है, युगल को बिलसाती हुई विराजमान है। इसीलिए कह रहे हैं कि वन्यांतर गुरु चापलम, वन्या माने नदी के भीतर आपकी गुरु चापलम अत्यंत भारी जो चपलता, वो चपलता विद्यमान है। श्याम सुंदर मछली का गुण आपने गया नहीं है, आपका मछली का गुण वो मत्स्यावतार का गुण हमने जल के लीला में दर्शन किया है कि वन्या के भीतर कैसे आप अत्यंत चपलता प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं। वन्यांतर गुरु चापलम कठिनता जो कच्छप अवतार की कठोरता के जब देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मथ रहे हैं और मंदराचल आपकी पीठ के ऊपर विराजमान है उस समय पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी ग्राभाग्र कंडुवे नान मित्रालोहो कमठाकृते भगवतः श्वासांगला पांडवः, आपकी जोर जोर से श्वास लगने लगे, ऐसा लगे जैसे मेरी मैया मेरी पीठ को जा रही है तो आपको नींद आने लगे। वो जब नींद आती है जो श्वास लंबी लंबी चलती है वे ही समुद्र में जैसे लहर क्या आना जाना है, वे लहर जितने भी श्रोता वक्ता उन सबों का कल्याण करती हुई विराजमान होती है। निद्रालो भगवत कमठा करते भगवत श्वासांगला पांडव यह संस्कार वशान वेदन वशान वेदानिधे नामसाम यातायात मतंत्रता जल निधे नाद्याप विश्राम्यति, आज भी वो जल की जो धारा है वो निरंतर निरंतर आ रही है। तो वो जो कठिनता है वो अभी भी आपके हृदय में विराजमान है। फिर आपने एक अवतार धारण किया जिसमें वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को आपने उस समय जो गर्भोद में चली गई थी उस गर्भोद से
पृथ्वी को निकालना। पाताल का तात्पर्य है पाताल नहीं, पाताल तो पृथ्वी का ही एक अंग है। अतर मित्र स्वतर तलातर असातर महातर पाताल, ये पृथ्वी के ही कहीं तल हैं, उनके भी नीचे जो माया समुद्र, माया समुद्र को भी पार करके जहां गर्भोद की सीमा में पृथ्वी चली गई थी, उस समय आपने गर्भोद से निकाल करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और उस पृथ्वी रूपी नाव के ऊपर संपूर्ण सृष्टि की स्थापना की। तो गो संगति, पृथ्वी से जो संगति है वो आप में साक्षात दिख रही है। अभी भी गैयाओं को चराते हुए घूम रहे हो। गो शब्द का स्पेशल अलंकार, गो माने पृथ्वी, तो वराह स्वरूप में तो पृथ्वी की संगति हुई और आप इस समय भी गायों की संगति करते हुए विराजमान हैं। और पाणि जे कौर्यम, और आपने नृसिंह अवतार धारण करके पाणिज माने नाखून, उनकी क्रूरता दिखाई, और यहां पर भी आपके नखों की क्रूरता का ये रसिक निजन अनुभव करती हुई विराजमान है। विलास में उन नखक्षत, उनकी मधुरमा का ये आस्वादन करती हुई विराजमान है। दंतक्षत नखक्षत, तो पाणिज क्रौव्यम, पाणिज माने नख, उनकी क्रूरता आप में विराजमान है। और दंभ रुचि, आप में दंभ रुचि भी विराजमान है। दंभ रुचि का मतलब है कि छल करने का गुण, वो वामन अवतार का जो गुण है वो दंभ भी आप में योगित्व विद्यमान है। और सुचंड मथुरा, आपने जो राम अवतार में श्री परशुराम अवतार धारण किया उसमें सुचंड मधुमा मथुरा, आपकी सुचंड मां, वह अभी तक सुचंडिम धुरा, सुचंड मां की धुरा को आपने जो धारण किया माने कठोरता की धुरा को, और फरसा उठा करके प्रतिज्ञा की कि युद्ध और इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, राजाओं के विपरीत में कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, मैं एक क्षत्रिय को नहीं रहने दूंगा, पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दूंगा, ये विचार करके सुचंडिम धुरा, जो चंद्रमा की धुरा आपने धारण की, चंद्रमा का भार, धुरा माने भार, उसको जो धारण किया वो भी आप में विराजमान है। आप में सुचंडिम धुरा जो क्रोध है वो क्रोध भी विराजमान है। और लंकेश विध्वंसनम, आपने जो पहले लंकेश माने रावण, उसका विध्वंस किया, सो वो लंकेश विध्वंसन वो भाव भी कहीं विराजमान है। अर्थात निरंतर निरंतर अश्रांत अविरत रति उसको करते हुए आप विराजमान है। तो लंकेश विध्वंसनम जो अपूर्व अश्रांत अविरत उत्कंठा उससे युक्त होकर के आप विराजमान हैं, वो आप में विराजमान है। और अलंकेश विध्वंसनम, प्रियाओं के साथ में विलास करते हुए उनकी विलास में नृत्य में उनकी चोटी अपने आप ढीली हो जाती है। अलंकेश विध्वंसनम, केश की बेनी जो है वो बेनी विध्वंस हो जाती है, बेनी खुल जाती है। तो लंकेश विध्वंसन, वहां पर तो लंकेश हो गया रावण, उसका विध्वंस किया राम स्वरूप में, और यहां पर अलंकेश विध्वंसनम, आपने पर्याप्त मात्रा में प्रियाओं के केश बंधन उनको भी मुक्त कर देने वाले होकर के आप विराजमान हो। और अश्वांतोन्मद लौण्य मिष्ट कदनम, अश्वांत माने निरंतर निरंतर उन्मद लौण्य चंचलता आप में विराजमान है, ये बलदाऊ जी का गुण हो गया। तीसरे राम जो है वे श्री बलराम हैं जो वारुणी का पान करके मद में मतवाले हो रहते हैं, तो यहां पर अश्वांत माने निरंतर निरंतर शांति जहां पर नहीं है, विश्राम नहीं है, ऐसे अश्वांत माने बिना विश्राम किए हुए मद लौण्य, मद लौण्य धारण करके विराजमान है, मद में मतवाले होकर के आप विराजमान हो।
ये भी गुण आप में विराजमान है। फिर आपका एक अवतार हुआ, मैंने आप में भी मदरा जो मदमत्तता है वो मदमत्ता विराजमान। फिर बुद्ध स्वरूप में आपने जो इष्ट कदनम, इष्टित माने यज्ञ, यज्ञ कर्मकांड उनको समाप्त किया। तो इष्ट कदन करके यज्ञ जो है वो यज्ञ को समाप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार इष्ट कदनम, इष्ट कदनम का तात्पर्य है आप मिलन में प्रेम के कारण हम प्रियारणों के लोक वेद धर्म ग्रह जो इष्ट वस्तु हैं ग्रहणियों की, ग्रहणों की इष्ट वस्तु उनका ग्रह, उस ग्रह का कदन करने वाले, ग्रह का नाश करने वाले हैं, अर्थात बरबस हमको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले हैं। तो इष्ट कदन माने इष्ट अभीष्ट जो गृहस्थ आश्रम उसको कदनम, उसको दूर कर देने वाले हैं। तो ये बुद्ध का गुण भी आप में विराजमान है और मिश्रण से विलोन्नति ही, और आप में मिश्रण से माने तलवार, तलवार को उठाना ये भी आप में विराजमान है। अर्थात कल्कि का जो लक्षण है वो तलवार को धारण करना है, परंतु आप भी यहां पर मिश्रंस माने तीक्ष्ण जो लीला है उसको बढ़ाने वाले हैं, अर्थात हमारे साथ में तीक्ष्ण प्रयास करके हमारे हृदय को कहीं पीड़ित करने वाले हैं, चोट पहुंचाने वाले हैं। मिश्रंस माने तलवार, मिश्रण शब्द का अर्थ होता है तलवार। तो मिश्रंस लीला, आपकी जो लीला है वो भी कहीं लोक वेद की मर्यादा को काटने में तलवार के समान है। इस प्रकार ऐसा मत सोचो कि आप ये कह रहे हो कि आपने अपने दशों अवतार को हमारी सखी श्री राधिका को समर्पित कर दिया है, कहीं समर्पित नहीं किया है, वे सारे के सारे जो दुर्गुण है उन अवतारों के वे सब के सब आप में अभी भी विद्यमान है। ऐसे श्री लता जी ने श्याम सुंदर के बात का सुंदर विदग्धता पूर्वक उत्तर दिया। ये विदग्धता ही, विदग्ध मानव की विदग्धता ही दिख रही है कि कैसे आप अपने अवतारों को चतुराई के साथ में श्री प्रिया को मनाने में, अपने ऐश्वर्य भाव को भी प्रिया के मनाने में कैसे साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और प्रियागण उन सब बातों को सुनकर के भी कैसे विदग्धता पूर्वक उत्तर देती हैं कि हाँ श्याम सुंदर हमने भी ये सुना है, श्री गर्गाचार्य जी, श्री गर्ग मुनि ये सब कहते रहे हैं कि तस्मा नंदात्मजोयंते नारायण समोगोई, कि हे नंद बाबा तुम्हारा जो पुत्र है वो नारायण के समान गुण वाला है। तुम्हारे नामकरण संस्कार में श्री गर्गाचार्य जी ने शायद ये कहा था ब्रज गोपिकाओं की बड़ी बूढ़ी जो गोपी है पौर्णमासी जी यशोदा जी, उनकी चर्चा के बीच में हमने सुना कि गर्गाचार्य ऐसा कह गए, तो वो बात बिल्कुल सही है। विष्णु के जितने भी 10 अवतार हुए वे सारे अवतार तुम्हारे ही अवतार हैं, तुम में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ऐसा पौर्णमासी जी, गर्गाचार्य जी, श्री भावरी ये सारे ऋषि वर्णन कर रहे हैं, गार्गी ये सब वर्णन करती हुई विराजमान है, और हमको ये लगता है कि उन अवतारों के सारे दुर्गुण और कुसंस्कार अभी भी तुम में योगी क्यों विद्यमान हैं, और उन क्रूरता, कठोरता, निष्ठुरता ये सारे दोषों को, चंचलता सारे दोषों को, धर्म विध्वंस इन सारे दोषों को धारण करके तुम विराजमान हो। ऐसे रस में भी प्रायः सर्वत्र सर्वत्र जो दशावतार है उन दशावतारों का स्मरण रस में भी श्री प्रियागण आनंदपूर्वक करती रही हैं, हमेशा करती रही हैं। और श्री गीत गोविंद में केशव धृत नरहर रूपम जितने भी दशावतार उनको श्री कृष्ण के ही अवतारों के रूप में उनको निरूपण किया। श्वेत कमला कुछ मंदन इत्यादि में उस अष्टपदी में श्री जयदेव गोस्वामी पाद ने भी श्री कृष्ण के सारे अवतार उनका
जैसे कृष्ण में ही समावेश बताया, उसी स्वरूप को धारण करके यहाँ जितने भी अवतार हैं उनको परिहास परिहास में इन गोपियों ने कभी शब्द श्लेष में और कभी अर्थ श्लेष में, अर्थ श्लेष में तो अर्थ दोनों जगह लग जाएगा, गुण दोनों जगह मिल जाएंगे, परंतु शब्द श्लेष में दोनों जगह अर्थ नहीं लगेगा, केवल शब्द की समानता होती है और शब्द की समानता देख करके ही केवल संगति बैठा दी जाती है, दोनों जगह उन वस्तुओं को समान धर्मता स्थापित कर दी जाती है। तो समान धर्मता वहां पर अर्थ के कारण नहीं होती है, समान धर्मता केवल शब्द की समानता के कारण होती है। तो वो यहां पर अब जैसे मध्य सौ बल बंधन, ये बल बंधन जो है ये शब्द साम्य है, यहां पर अर्थ का साम्य नहीं मिले, ऐसी सब जगह यहां पर भी कि कौरम दम्भ रुचि, अब दम्भ रुचि में तो अर्थ साम्य मिल जाएगा, परंतु आगे श्री किशोरी जी के श्री ललिता जी कह रही है कि मीना द्यादि अवतार मीनेन्द्रा द्यवतार, मीनेन्द्र आदि जो अवतार हैं वे सारे के सारे अवतारों के भागा जो स्वभाव है वो स्फुट मम्मी भाजन्ते भागास्पई, उनके सारे भाग सारे लक्षण अभी भी आप में विराजमान है। श्री कृष्ण खूब प्रसन्न होते हैं, प्रिया यदि मान करे करे भर्सन वेदस्तुति हईते हरे मोर मन, प्रिया यदि मान करके कभी श्याम सुंदर की भर्सना करती हैं, श्याम सुंदर को वेदस्तुति से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जैसी प्रियाओं के द्वारा की गई भर्सना से जैसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसी आपको स्तुति करने पर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर खूब खिंचाई हो रही है श्याम सुंदर की, पर उस खिंचाई से उल्टे और आप आनंदित हो रहे हैं और प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि प्रिय पश्य पश्य, हाय हाय ललिता अजनी दुर्ललिता और बहु राधा दुराराध्या, तप्ते मई न छायां शशाक कर्तुम विशाखेयम, तुम लोग तीनों की तीनों यहां पर जो इकट्ठी हुई हो ना, सब की सब मुझे हैरान करने के लिए, मुझे ताप देने के लिए ही इकट्ठी हुई हो, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों मुझे ताप दे रही हो तुम तीनों की तीनों, देखो देख नहीं रही हो, ललिता अजनी दुर्ललिता, नाम तो रख रखा है इसने ललिता, पंथ है दुर्ललिता, कैसी ढीठ होकर के बड़बड़ करके कैसी बात कर रही है, तो ललिता अजनी दुर्ललिता, ये ललिता तो दुर्ललित हो गई, काय बात की ललिता है, बिल्कुल विरोधाभास यहां पर दिख रहा है, नाम है ललिता और गुण है बिल्कुल दुर्ललित, चंचल ढीठ नारी के गुण इनमें विद्यमान है, दुर्ललित होकर के ढीठ होकर के विराजमान है, और बहु राधा दुराराधा, नाम तो है राधा और हो रही है दुराराधा, राध साध संपत्त, राध धातु जो है उसके तीन अर्थ होते हैं, साधना करना राध का एक नाम है, राध माने साधना, जैसी साधिका है ऐसी कोई दूसरी नहीं है, राधा का दूसरा अर्थ होता है राध धातु का सिद्धि, जैसी प्रेम की सिद्धि श्री किशोरियों में है ऐसी प्रेम की सिद्धि कहीं दूसरी जगह नहीं है, और राध धातु का एक तीसरा अर्थ होता है संपत्ति, जैसी सौंदर्य और प्रेम संपत्ति इनमें विराजमान है ऐसी कहीं तीसरी जगह नहीं है। तो राम धातु के यूं तो अनेक अर्थ, पर तो अनेक अर्थों में तीन अर्थ ही प्रधान है, साधन करने वाली, सिद्धि को प्राप्त होने वाली और संपत्ति से युक्त होने वाली, ये तीनों ही गुण, इनके कारण श्री राधिका का नाम राधा है, पर ये राधा भी दुरा राधा हो गई है, इनको भी प्राप्त करना दुर्गम हो गया है, इनमें न तो सिद्धि दिख रही है इस समय कि इनको सिद्ध किया जा सके, न साधन इनमें हमको प्राप्त करने के साधन ये करती दिख रही है, जो उल्टी बांधता धारण किए हुए हैं
और न कृपालुता आगे संपत्ति इनमें दिख रही है। इसलिए राधा नाम तो था संपत्ति युक्त कि ये कृपा दयालुता आदि अनेक संपत्तियों से युक्त हैं, पर इस समय उन गुणों को तो त्याग करके ये तो वामता इत्यादि धारण करके ही विराजमान है, कंजूसी आदि धारण करके ही विराजमान है। इसलिए दोरा राधा हो गई है, इनमें संपत्ति नहीं है बल्कि ये तो कंजूस बन करके विराजमान हो रही है। तो राधा दोरा राधा तो संपत्ति की दृष्टि से भी संपत्ति का प्रकाशन नहीं कर रही है, सिद्धि की दृष्टि से भी ये अपनी सिद्धि का प्रकाशन नहीं कर रही है। परम आनंद प्रदान करना चाहिए था परंतु परम आनंद प्रदान नहीं करके ये तो हमारी प्रेम सेवा को सिद्ध होना ही नहीं देना चाहती है, उस सेवा को सिद्ध ही नहीं करना चाहती है। और ये साधन में भी परम दुराराध्य होकर के विराजमान, बड़े कठिन से प्रणाम करने पर भी ये साधन करने में कहीं रीझने में कृपा करने में के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो न साधन के द्वारा ये सुलभ है, न सिद्धि में कृपालुता की पराकाष्ठा में ये सुलभ है, न अपनी संपत्ति के पूर्ण दान में ये सुलभ। तो साधन के द्वारा भी असुलभ दुर्लभ, सिद्धि में भी सिद्धि के प्रकाशन में भी दुर्लभ, और संपत्ति में भी कृपा सौंदर्य इत्यादि संपत्ति उनके प्रकाशन में भी दुर्लभ होकर के विराजमान। अतः राधा दोरा राधा, बहुव राधा दोरा राधा, राधा दोरा राधा हो गई है। तप्ते मय नचत छायां शशाक कर्तुं विशाखेयम्, आशा कर रहा था कि विशाखा से कुछ सहारा मिलेगा, परंतु इसका तो नाम ही है विशाखा। विशाखा माने जिसमें कोई डाली नहीं हो, तो ये तो विशाखा है, ठूंट है। ऐसी के ऊपर ऐसा का आश्रय लेकर के क्या ताप से बचा जा सकता है, धूप से बचा जा सकता है, ठूंट के आगे ठूंट सामने खड़ा हो तो उससे क्या रक्षा होगी। इसलिए तपते मई, मैं तो पहले से ही तप्त हो रहा था, परंतु छाया न शशाक कर तुम, मेरे ऊपर छाया करने में ये विशाखा भी समर्थ नहीं हुई है, समर्थ नहीं हुई है। तो ये तीनों की तीनों मेरे लिए अब हितकारिणी नहीं हो रही है। न राधिका हितकारिणी हो रही है, न ललिता हितकारिणी हो रही है, न विशाखा। ललिता बड़ी आशा थी कि ये ललिता है, परंतु ये दुर्ललिता हो गई, ये ढीठ बन गई है। राधिका बड़ी आशा थी कि ये साधन सिद्धि और संपत्ति तीनों से युक्त हैं, परंतु न तो ये साधन साध्य हो रही हैं, न सिद्धि को प्रकट कर रही हैं, न अपनी कृपा को प्रकट कर रही हैं। और विशाखा, इनका तो नाम ही है विशाखा, डालियों से रहित।